सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉनवर क्लिक करून लेटेस्ट न्यूज बघा. सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के ऊपर केस दर्ज किया जाए, ऐसा आवेदन विश्व वाल्मीकि सेना ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया. हाल ही में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जो अशब्द निकाले हैं, इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ऐसे विश्व वाल्मीकि सेना ने कहा है. विश्व वाल्मीकि सेना के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष पी के सालुंके, इन्होंने कहा कि हमें उनकी माफ़ी नहीं चाहिए, सरकार को उनको सजा देनी चाहिए. सरकार ने उनके ऊपर एट्रोसिटी लगाकर उन्हें सजा देनी चाहिए. अगर सरकार इन दोनों को अनदेखा कर रही है, साथ ही साथ सालुंके ने कहा 5 जनवरी तक हम खामोश रहेंगे. अगर सरकार ने उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी, ऐसा इशारा भी उन्होंने दिया. How it's more Vyan centric. Totally. I look like a mangi at home. Yeah, I'm in my track pants and a t-shirt and a hair all tied up because Vyan pulls my hair out when I leave. Centric. Totally. I look like a mangi. They feel that it looks good. Some people don't have the body language to carry some stuff. Okay. अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा है यार करते करते. I'm not looking good in this at all. जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. मैं देवी प्रसाद जोशी, वाइस प्रेसिडेंट विश्व वाल्मीकि सेना. सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, इन दोनों ने जो वक्तव्य किए हैं, लफ्ज़ निकाले हैं, जातिवाचक शब्द जो निकाले हैं, और बहुत दर्द देने वाले हैं, बहुत दुख जताने वाले हैं. और सलमान यानी जिसके ऊपर माँ बाप के संस्कार हुए ही नहीं, ऐसा है, कभी गरीब लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल देता है, कभी हिरण को मार देता है, कभी किसी को बोलता है जिम करके आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी औरत के ऊपर रेप किया ऐसा मैं लगता हूँ. क्या इसी को माँ बहन नहीं है? इसी को कुछ नहीं है? दूसरी बात ऐसी, अभी भी हमारे समाज को भंगी बोल के अवाच्य शब्द में, जातिवाचक शब्दों में भंगी बोल दिए है. इसको पता नहीं है भंगी क्या होते हैं. और कानूनन किसी के भी जाति के ऊपर बोलना ये गुनाह ही है. और इसके ऊपर एट्रोसिटी के अंदर किसी भी हालत में FIR दर्ज करके इसको अटक होनी चाहिए. खाली इसको ही नहीं, ये बेशरम जो शिल्पा शेट्टी है इसको भी अटक होनी चाहिए. इसको भी समझना चाहिए कि अपन कैसे किसी ये दूसरे के जाति के ऊपर बोल के खुद की जाति बहुत बड़ी बताने चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी जाति बड़ी होती है तो आपके संस्कार भी बड़े होते, आपके माँ बाप ने आपको बताया होता है, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है. हमेशा दूसरों को तकलीफ देना और पैसा दे के सही सलामत छूट जाना, ये पैसे की गुर्मी है, चर्बी है. और ये चर्बी उतारना हमारे वाल्मीकि समाज को अच्छी तरह आता है, और वाल्मीकि समाज को जो गंदगी है वो भी निकालनी आती है. ये जो गंदगी है सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, अगर सरकार अनुमति दे 5 मिनट में इनको साफ करवा सकते हैं, 5 मिनट में केवल. लेकिन हम भी सर्वधर्म समभाव जानते हैं, इसीलिए चुप बैठे हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम ताली बजा रहे हैं. साला ये दवाई लेके इंजेक्शन लेके बॉडी बताता है, लेकिन तेरे को दो दो हाथ करने वाले हमारे पास ऐसे टाइगर हैं कि एक ही घंटे में तेरे को बता देंगे कि कौन सा टाइगर जिंदा रहता है. ये टाइगर जिंदा है बोल के ये करता है. समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए. लेकिन कोर्ट, मंत्री लोग, वापस सरकार, ये सब उन्हीं की तरफ से है जो सही सलामत छोड़ देते हैं. सरकार को अभी तक कुछ करने को अनुमति नहीं मिली. कोर्ट रात को आतंकवादी के लिए खुला रहता है और अच्छे लोगों के लिए खुला नहीं रहता. अपने सर्वे सर्वा राष्ट्रपति जी भी दलितों से आते हैं, क्या उनको भी नहीं मालूम कि सलमान क्या बोलता है?
खाता भारत की है, हिंदुस्तान की है, और रुबाब करता है हमारे ऊपर। शर्म आनी चाहिए सलमान को, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इसमें ध्यान देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री भी, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, गृह मंत्री है राजनाथ सिंह भी, उन्होंने भी इसमें ध्यान देना चाहिए। क्या गरीबों को आप तुच्छ समझ रहे हैं, दलितों को तुच्छ समझ रहे हैं? क्या बाबा साहब ने जो लिख के रखा है वो भूल गए आप लोग? समझता नहीं है? अगर समझता नहीं तो काहे के लिए ऊपर बैठे हैं? कोई किसी को कुछ भी बोले, हम आपको चुन के देते हैं, अपना नेता समझते हैं, और आप हमारे ऊपर पैसा लेके सवार होते हैं, ये कौन सी नीति है? अगर जल्द से जल्द ये सलमान के ऊपर, शिल्पा शेट्टी के ऊपर कानूनन रिपोर्ट दर्ज नहीं की, FIR दर्ज नहीं की, तो विश्व वाल्मीकि सेना जो करेगी उसका जिम्मेदार सरकार, सलमान, शिल्पा शेट्टी, प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, ये रहेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ने ध्यान देना चाहिए। आज 8 दिन हो रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को समझता नहीं है। लास्ट 5 तारीख तक हम रुकेंगे, और जो हमें करना है वो करवा देंगे, लेकिन 5 तारीख के बाद ना हिंदुस्तान में झाड़ू लगेगा, ना साफ सफाई होगी, ना कुछ होगा, साफ बंद हो जाएगा, और फिर सड़ते रहो गंदे नाले के कीड़े के जैसा गंदगी में। हमारा समाज गंदगी साफ करने वाला है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने हमारे जाति के ऊपर अगर लफ्ज़ भी निकाला तो उसकी जगह उनको बताने की हमारी हिम्मत है। इसीलिए हम पूरे विश्व वाल्मीकि सेना के जमाती के लोग इकट्ठा हो गए हैं, और आगे आंदोलन को चलता रखेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं सरकार से फिर एक बार विनती करता हूँ कि सलमान ने जो हरकत की है उसे एट्रोसिटी का एक्ट 1989 के एक्ट उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सलमान ने अपने इंटरव्यू में कहा है अगर मैं ऐसा डांस करता तो मैं भंगी दिखता, इसका मतलब क्या होता? इसके पहले वो भंगी नहीं दिख रहा था। मेरे भारतवासियों, आप ही समझो वो क्या दिख रहा था। शिल्पा शेट्टी वही कहती है कि अगर मैं ऐसा ड्रेस पहनती तो मैं भंगी दिखती, इसके पहले वो क्या करती थी? इसके पहले वो क्या दिखती थी? नंगा डांस करती थी तब उसे वो भंगी नहीं लगने की। इसका मतलब वो क्या दिखती थी वो पब्लिक ही जाने। सरकार को मैं विनंती करता हूँ जल्द से जल्द उसे सजा दो। अगर सरकार ने उसे सजा नहीं दी तो विश्व वाल्मीकि सेना शिल्पा शेट्टी और सलमान खान पे जो एक्शन लेंगे इसके जिम्मेदार हमारे भारत सरकार ही होंगे। जय हिंद, जय भारत।